अनु मलिक की कहानी यूँ तो किसी भी ऐसे कलाकार की कहानी जैसी ही है जिसने कड़े संघर्षों से लड़कर अपना एक मुकाम हासिल किया हो, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क जो अनु मलिक को दूसरों से अलग करता है वो ये कि अनु मलिक का करियर किसी रोलर कोस्टर राइड के जैसा रहा है। वो कभी सफलता का शिखर छूते हैं तो कभी असफलताओं की खाई में गिर जाते हैं, फिर ज़बरदस्त वापसी करते हैं और दोबारा से काम पाने की जद्दोजहद में फंस जाते हैं। किस्सा टीवी पर अनु मलिक के जीवन की कहानी पहले ही कही जा चुकी है। आज किस्सा टीवी अनु मलिक की वो कुछ अनसुनी कहानियां अपने दर्शकों को बताएगा जो हमें लगता है कि लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसी कहानियों के बारे में कम ही देख और पढ़ पाते हैं, जबकि किसी कलाकार की ये अनसुनी कहानियाँ उस कलाकार को करीब से जानने का एक बढ़िया जरिया होती हैं। तो चलिए साथियों, अनु मलिक की अनसुनी कहानियों का ये सफ़र शुरू करते हैं। पहली कहानी। अनु मलिक की उम्र 16-17 ही हुई थी जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आरडी बर्मन जैसे कई बड़े नाम राज कर रहे थे। अनु मलिक रोज अपना हारमोनियम लेकर मुंबई के तारदेव एयर कंडीशन मार्केट पहुंच जाया करते थे। उस मार्केट के पास एक बिल्डिंग थी जिसमें उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स रहा करते थे। अनु ने कई दफ़ा कोशिश की कि वो वहाँ किसी बड़े प्रोड्यूसर से मिल सकें, लेकिन उस बिल्डिंग में इनको जाने ही नहीं दिया जाता था। आखिरकार अनु मलिक ने उस बिल्डिंग के बाहर पाव भाजी की दुकान लगाने वाले एक आदमी से दोस्ती कर ली और उस आदमी के आसपास खड़े रहते, इस उम्मीद में कि किसी न किसी दिन तो कोई बड़ा प्रोड्यूसर वहाँ पाव भाजी खाने जरूर आएगा। खाली वक्त में अनु मलिक उस पाव भाजी वाले को ही अपनी धुने सुनाते रहते थे। पाव भाजी की दुकान पर अनु मलिक से कई प्रोड्यूसर्स टकराए भी। अनु मलिक ने उन्हें अपनी धुने सुनाने की कई कोशिशें भी की, लेकिन वहां किसी ने भी अनु मलिक को भाव नहीं दिया। दूसरी कहानी। अनु मलिक ने फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक तो दिया ही है, साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। अनु मलिक के गाए कई गाने लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं और आज भी उन गीतों को लोग अक्सर गुनगुनाने लगते हैं। लेकिन अनु मलिक गायक कैसे बने? अनु मलिक के गायक बनने की कहानी आपको बड़ी पसंद आएगी। ये कहानी जुड़ी है साल 1987 में आई जीते हैं शान से नाम की फिल्म से। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और गोविंदा ने काम किया था। इस फिल्म का गीत जूली जूली बहुत लोकप्रिय हुआ था। डायरेक्टर कंवल शर्मा ने पहले ये गाना किशोर दा से रिकॉर्ड कराने की प्लानिंग की थी, लेकिन किशोर दा इस गाने को रिकॉर्ड करने नहीं आ सके। फिर ये गाना किशोर दा के बेटे अमित कुमार से रिकॉर्ड कराने की योजना बनाई गई, लेकिन अमित कुमार भी स्टूडियो नहीं पहुंच पाए। रिकॉर्डिंग में हो रही देरी की वजह से मिथुन दा इस गाने की शूटिंग नहीं कर पा रहे थे। शूटिंग करने के लिए मिथुन दा ने डायरेक्टर कंवल शर्मा से कहा कि इस गाने को किसी से ऐसे ही रफ रिकॉर्ड करा लो ताकि कम से कम शूटिंग कंप्लीट हो सके। तब फिल्म का म्यूजिक दे रहे अनु मलिक ने ही कविता कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर ये गाना रिकॉर्ड कर दिया, ये सोचकर कि जब किशोर दा या अमित कुमार आएंगे तो उनसे फाइनल रिकॉर्डिंग करा ली जाएगी। फिर जब मिथुन दा ने अनु मलिक का गाया जूली जूली सॉन्ग सुना तो वो दंग रह गए। अनु मलिक की गायकी का अंदाज मिथुन दा को बहुत पसंद आया। मिथुन दा ने डायरेक्टर कंवल शर्मा से कहा कि अब ये गाना फिल्म में ऐसे ही रहने दो, अनु मलिक ने ये गाना बहुत बढ़िया गाया है। और बस यहीं से अनु मलिक का गायकी का सफर भी शुरू हो गया। तीसरी कहानी। अनु मलिक के करियर की शुरुआती पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी मनमोहन देसाई की मर्द। इस फिल्म में पहली दफा अनु मलिक को अमिताभ बच्चन के लिए म्यूजिक तैयार करने का मौका मिला था। अनु मलिक इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की तैयारी कर चुके थे, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। मर्द के डायरेक्टर मनमोहन देसाई चाहते थे कि फिल्म का टाइटल ट्रैक मर्द तांगे वाला मैं हूं मर्द तांगे वाला किसी ऐसे गायक से गवाया जाए जिसकी आवाज मोहम्मद रफी साहब से मिलती हो। उन्होंने अनु मलिक से कहा कि वो किसी ऐसे गायक को तलाशें जो रफी साहब के अंदाज में गा सके। उस वक्त अनु मलिक के दिमाग में मुन्ना का ख्याल आया। मुन्ना यानी बेहद शानदार गायक मोहम्मद अजीज साहब। उस जमाने में मोहम्मद अजीज साहब भी काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
अनु मलिक मोहम्मद अजीज को ढूंढने गोरेगांव आए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अजीज साहब गोरेगांव में कहां रहते हैं। कई घंटों तक अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज साहब को ढूंढा। फाइनली उन्हें मोहम्मद अजीज मिल गए और वो अजीज साहब को लेकर स्टूडियो आ गए। वहां मनमोहन देसाई के सामने अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज साहब से मर्द तांगे वाला गीत गवाया। मनमोहन देसाई को मोहम्मद अजीज की गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने अनु मलिक से कहा कि ये गाना इसी से रिकॉर्ड कराया जाए। और इस तरह अनु मलिक ने बॉलीवुड को दिया एक बेहद शानदार गायक जिसे हम मोहम्मद अजीज के नाम से जानते हैं। मोहम्मद अजीज साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी और उनके गीत हमेशा उन्हें उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखेंगे। चौथी कहानी, अनु मलिक वो शख्स हैं जिनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। यही वजह है कि उन्होंने कई देशभक्ति गीत भी बनाए हैं, लेकिन उनकी कालजयी रचना है बॉर्डर फिल्म का गीत संदेश से आते हैं। ये गीत भारतीय सेना को समर्पित अनु मलिक की एक ऐसी रचना है जो हर भारतवासी को अपनी सेना के जवानों का आदर और सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। अनु मलिक के ये गीत बनाने की कहानी भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने जिस वक्त अनु मलिक को इस फिल्म के लिए साइन किया था, उस वक्त अनु मलिक को अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हुआ। जेपी दत्ता जैसे नामी डायरेक्टर ने अनु मलिक को उनके पसंदीदा विषय पर संगीत बनाने की जिम्मेदारी दी तो अनु मलिक बहुत खुश हुए। अनु मलिक ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर बॉर्डर फिल्म के गीत लिखने शुरू कर दिए। जावेद अख्तर और अनु मलिक एक कमरे में बैठकर घंटों तक बॉर्डर फिल्म के गीत लिखते रहते थे। एक दिन अनु मलिक को जेपी दत्ता ने भारतीय सेना के जवानों की कुछ तस्वीरें दिखाई। उस तस्वीर में सेना का एक जवान कश्मीर की बर्फ में गले तक धंसा था, लेकिन फिर भी वो जवान पूरी तरह मुस्तैद था। एक दूसरी तस्वीर में उसी जवान की पत्नी और माँ थे जो उसके आने का इंतजार कर रहे थे। सेना के जवानों की इन्हीं तस्वीरों ने अनु मलिक को संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं गीत कंपोज करने के लिए प्रेरित किया। अनु मलिक ने हारमोनियम पर इस गीत का एक हिस्सा ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या गुनगुनाया तो जावेद अख्तर को ये लाइन बड़ी पसंद आई और इसी लाइन पर जावेद साहब ने संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं गीत लिख दिया। पांचवी कहानी, अनु मलिक के करियर की बात हो और उनके गाए गीत एक गरम चाय की प्याली हो का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गाना आज भी लोग गुनगुनाते दिख जाते हैं। अनु मलिक ने यह गाना कैसे बनाया इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों अनु मलिक का शेड्यूल काफी बिजी चल रहा था। एक गाने की रिकॉर्डिंग करने के बाद अनु मलिक सुबह लगभग 4 बजे अपने घर पहुंचे थे। घर पहुंचकर अनु मलिक ने अपनी पत्नी अंजू को बताया कि मुझे सुबह 7 बजे फिर से एक रिकॉर्डिंग पर जाना है, इसलिए मुझे सुबह 6 बजे जगा देना। अनु मलिक सुबह लगभग 5 बजे सो गए। फिर सुबह 6 बजे अनु मलिक की पत्नी अंजू मलिक उनके लिए एक कप चाय लेकर आई। उन्होंने अनु मलिक को जगाने के बजाय उनके कान के पास चाय के कप में चम्मच घुमाना शुरू कर दिया। चम्मच की आवाज से अनु मलिक की नींद टूटी तो अंजू ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जागने का वक्त हो चुका है। अनु मलिक की आंखें तो खुल गई, लेकिन चम्मच की आवाज सुनकर उनके दिमाग में कुछ लाइनें आने लगी। वो अपनी पत्नी को देखकर गुनगुनाने लगे, एक गर्म चाय की प्याली हो कोई उसको पिलाने वाली हो। फिर अनु मलिक जब फ्रेश होने बाथरूम गए तो वहां भी उनके दिमाग में ये लाइनें चलने लगी। उसके बाद अनु मलिक जब अपनी कार से स्टूडियो के लिए निकले तो उन्होंने कार में ही अपनी वो लाइनें कंप्लीट की और उन्हें कैसेट में रिकॉर्ड किया। फिर स्टूडियो पहुंचकर अनु मलिक ने अपने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को फोन करके वो लाइनें सुनाई। साजिद नाडियाडवाला को वो लाइनें बहुत पसंद आई। उन्होंने अनु मलिक को सलाह दी कि फटाफट ये गाना तैयार करो, हम ये गाना सलमान पर शूट करेंगे। और इस तरह अनु मलिक का पॉपुलर सॉन्ग एक गरम चाय की प्याली हो अस्तित्व में आया। छठी कहानी, अनु मलिक की लव स्टोरी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अनु की वाइफ अंजू उनके साथ ही मीठीबाई कॉलेज में पढ़ा करती थी। जिस दिन अनु पहली दफा कॉलेज गए थे उसी दिन वो अंजू को दिल दे बैठे थे। हालांकि अंजू उन्हें उस वक्त जरा भी पसंद नहीं करती थी। अनु जब भी अंजू से बात करने की कोशिश करते थे अंजू उन्हें झिड़क दिया करती थी।
एक दिन तो अंजू ने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनु की शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने अनु की बढ़िया क्लास लगाई। अनु मलिक इस घटना से इतने दुखी हुए कि वो कुछ दिन तक कॉलेज गए ही नहीं। वो खंडाला पहुंच गए। उन दिनों खंडाला में बारिश हो रही थी। उस बारिश में ही अनु मलिक ने अंजू को याद करते हुए अपना एक गाना देखो बारिश हो रही है लिखा था। खंडाला से जब अनु मलिक वापस लौटे और अपने कॉलेज गए तो वहां अंजू उनका इंतजार कर रही थी। अंजू ने अनु को देखते ही पूछा, कहाँ थे तुम? अनु मलिक को पता चल गया कि अब अंजू के दिल में भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। उसी के बाद अनु और अंजू का इश्क शुरू हो गया, जो आखिरकार एक सक्सेसफुल शादी में कन्वर्ट हुआ। हालांकि इनकी शादी के वक्त अंजू के माता पिता बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और वो इसलिए क्योंकि अनु मलिक एक मुस्लिम परिवार से हैं, जबकि अंजू एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार की बेटी हैं। मगर शादी के बाद जब अनु और अंजू दो बेटियों के माता पिता बने तो हर किसी की नाराजगी खत्म हो गई। अनु और अंजू की दो बेटियां अनमोल और अदा हैं। आज अनमोल एक नामी लेखिका हैं और अदा एक फैशन डिजाइनर हैं। सातवीं कहानी, अनु मलिक के करियर की शुरुआती शानदार फिल्मों में से एक थी सोहनी महिवाल, जो कि साल 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अनु मलिक के संगीत को बहुत सराहा गया था, और ये फिल्म अनु मलिक को कैसे मिली ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल अनु मलिक को जब पता चला कि उनके दोस्त राजीव मेहरा के बड़े भाई उमेश मेहरा सोहनी महिवाल बना रहे हैं, तो उन्होंने तय किया कि चाहे कैसे भी हो लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक मैं ही बनाऊंगा। अनु ने उमेश मेहरा से मिलने की कोशिशें शुरू कर दी। वो कई दिनों तक उमेश मेहरा से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन चूंकि उमेश मेहरा उन दिनों एक दूसरी फिल्म में बिजी थे तो उन्होंने अनु मलिक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार एक दिन अनु मलिक महबूब स्टूडियो पहुंच गए, जहां उमेश मेहरा अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अनु मलिक बाथरूम के बाहर खड़े हो गए। फिर जब उमेश मेहरा बाथरूम आए तो अनु मलिक भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में घुस गए। वहां अनु मलिक ने अपना इंट्रोडक्शन उमेश मेहरा को दिया और कहा कि मैं आपको सोहनी महिवाल के लिए कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूं। पहले तो उमेश मेहरा हैरान हुए, लेकिन फिर वो अनु की वो लाइनें सुनने को तैयार हो गए। और जब अनु मलिक ने वो लाइनें सुनाई तो उमेश मेहरा दंग रह गए। उन्हें अनु मलिक की वो लाइनें बड़ी पसंद आई। वो अनु मलिक का हाथ पकड़कर सीधे उन्हें महान संगीतकार आनंद बख्शी जी के पास ले गए और उन्हें अनु मलिक से मिलवाया। आनंद बख्शी ने अनु मलिक की वो लाइनें सुनी और सलाह दी कि इनमें ये दो लाइनें भी ऐड करो, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे। यानी उस दिन बाथरूम में अनु मलिक ने उमेश मेहरा को जो लाइनें सुनाई थी वो सोहनी महिवाल फिल्म के टाइटल सॉन्ग की लाइनें थी। इस तरह अनु मलिक को सोहनी महिवाल फिल्म मिल गई और बॉलीवुड में उनकी गाड़ी चल निकली। उस दिन उमेश मेहरा अनु मलिक को अपने साथ एक शॉप में भी ले गए थे और वहां उन्होंने अनु मलिक को एक चिकन सैंडविच खिलाया। साथ ही ये भी कहा कि अनु ये चिकन सैंडविच सोहनी महिवाल के लिए तुम्हारा साइनिंग अमाउंट है, बाकी पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे।